आओ सिद्दीकी साहब, अरे यही फोटो छापेगा। ताकि कुदरत को बदल दिए तुम लोग। सर 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 प्लीज, किसने बनाया ये मुजस्मा? ऑल द बेस्ट टू दिस सॉन्ग एंड प्लीज ये गाने को देखिए, इसमें मेरा भाई रुसलान वेरी हैंडसम मैन माशाल्लाह, आई लाइक हिम, बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ मैं। हाँ मतलब जब मैं बड़ा था वो भी छोटा था, तो इसके बचपन से मैं इसको देखता रहा हूँ। Amazing actor, I love him and wish you all the best to the Noor Siddiqui, one of my very favorite and special guy. I love him. बचपन में हम लोग दोनों खेल रहे थे, एक ऑयल का डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें ये गिर गया था, तब से इतना काला हो गया, पर दिमाग बहुत है उसके अंदर। He's a very good director. आने वाले वक्त में आपको अच्छा काम भी देगा वो। और सर ऑल द बेस्ट टू यू, इस तरह से गाने बनाते रहिए, इंडस्ट्री का घर थोड़ा लोगों का घर भी चले, लोगों का काम चले, नए लोगों को काम मिले। देखो कितने सारे कैमरे आए हुए ऐसे। हाँ बेटा मिलियन का काम तो हो गया तुम्हारा, बाकी बचा वो बटले। एक ये आदमी ये लाल टी शर्ट वाला है ना सर, महीने का 20 लाख रुपए कमाता है, उसका यूट्यूब चैनल चलता है, 20 लाख रुपए महीना। एक काली बली में रहती है, एक बोरी बली में, और एक अंधेरी में। देखो कितना हंस रहा है वो। अरमान मलिक की 2 बीवी है, इसकी 3 बीवी है। मैं अभी वायरल है, मैं अभी वायरल है, शर्लिन के साथ वायरल है अभी वो। शर्लिन, अरे शर्लिन इसको खाली बाहों में ले लेगी तो दिखाई नहीं देगा। 40 मिलियन उड़ गया, 40 मिलियन, 40 मिलियन उड़ गया इसका, 40 मिलियन भी हो गया। इसका कभी कुछ नहीं हो सकता सर। सर बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, गाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक गाना एक बार दिखाइए तो सर, सर प्लीज एक बार, वन मोर। यस सर, बहुत अच्छा काम किया है, प्रोमो तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आवाज बहुत अच्छी लगी, और आवाज के तो शहंशाह है हमारे भाई, और जिनका नाम सलमान होता है उनको तो अल्लाह ताला वैसी ब्लेसिंग दे देता माशाल्लाह। एक वो सलमान खान है हमारे भाई जो बॉक्स ऑफिस के किंग है, और एक ये सलमान खान है जो आवाज के किंग है, अल्लाह ने इनको आवाज बख्शी है। अभी क्या हो गया कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द, हाँ थोड़ा सा दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। क्या बात, क्या बात। तो मजे लेते रहो, एंजॉय करते रहो, जिंदगी ऐसे कट जाएगी है ना। सर आई लव यू, मैं यहाँ पे हूँ, पेमेंट नहीं लूंगा तुमसे, तुम्हारे को वायरल भी कर दिया हूँ मैंने नूर के लिए। अभी नूर सर का साथ मत छोड़, हाथ मत छोड़। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तारीफ करना चाहूंगा मेरे भाई, मेरे बड़े भाई शाहिद भाई, वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग कास्टिंग डायरेक्टर। शाहिद भाई आइए, जितने भी स्ट्रगलर देख रहे हैं मुझे लिख लीजिए, इनको बोलते शाहिद हसन। ये हमारे भाई कास्टिंग तो करते हैं लेकिन काउच कभी नहीं करते, याद रखना। He's only a casting director and a fabulous casting director. लो यार माइक दे दो। चलो सलमान जी आप पूछ बताइए।
गाने के बारे में मैंने बता दिया, सबसे पहले कौन ही उससे गाया। एरा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी बेहतरीन गाना है, कितना एक्साइटमेंट है, गाना मिला आपका, क्या बोल रहा है आपको फ्रेंड लोग जो अभी ट्रेन में जा रहे हैं, गाना क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, इसके साथ इतने सारे प्यार मिल रहा है, इतनी बेहतरीन गाना है, मुझे लगता है फिल्मों में होना चाहिए इस तरह का गाना, आप म्यूजिक एल्बम में है। आप दोनों बॉन्डिंग कैसा रहा, किस तरह का सूट रहा, थोड़ा बताएं किस तरह का बॉन्डिंग रहा, किसने? बस हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में ही कभी कभी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है, और कभी तो पूरा शूट कंप्लीट कर लो आप तब भी दोस्ती नहीं है। तो हमारा क्योंकि उनका जो नेचर है आप देख सकते हैं सबके सामने, बहुत पॉजिटिव है, बहुत वार्म है, एंड मीटिंग में वो पॉजिटिव ही आ गई, और जो भी गाना था मेरे लिए काफ़ी आसान था, क्या बोलना चाहते हैं, बेहतरीन गाना लेके आते हैं, और क्या बोलना चाहिए इस कंपनी के बारे में आप? हमारे जो प्रोड्यूसर है नागेश जी, बहुत पैशनेट है अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने वीडियोस को लेके, उनका जो विजन है वो सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं, तो जो पैशन फिल्म तक अभी पहुँचे नहीं है वो वीडियो में निकाल रहे हैं, तो जब वो मुझे स्टोरी बता रहे थे आई रियलाइज कि यार यहाँ पे ना 19-20 नहीं हो सकता, यहाँ पे 20-21 करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत क्या बोलते हैं ड्रीम्स थे, इसलिए वो ड्रीम ड्रीम भी नाम रखा है, जो सब जो आदमी सपने लेकर आपके पास आता है ना उसका आप देख नहीं पा सकते, तो आई सॉ दैट पैशन, आई सॉ कि यार वो चाहते हैं कि उनका हर वीडियो हर गाना बेस्ट से भी बेटर, और अगर वो एक्टर ढूंढ रहे हैं परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं उसे भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा, तो ये सब सोच कर समझ कर हमें सेट पर गए, टाइम पर गए, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। 5 बजे का टाइमिंग दिया था सुबह को, मुझे भी पता है हम इतने सालों से इंडस्ट्री में 5 बजे इसकी शूटिंग था, बट लगा कि चलो अभी नए प्रोड्यूसर हैं नहीं जाएंगे टाइम पर, उनको लगेगा एक्टर्स अनप्रोफेशनल है, फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे, हमने भी इंडस्ट्री का नाम रखने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि हाँ इंडस्ट्री साथ है, यहाँ पे और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्या बात है, क्या सब हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।